Hello students, welcome to your online class for 4th standard. Today we will learn a new poem, a very familiar poem. Ek poem aap kafi khud se link kar paoge. This poem is on page number 31, poem number 14, My Books. And this is written by Anonymous. Okay, Anonymous ka bolte ki when the writer jisne wo poem likha hai, theek hai, wo poetess, wo author, jab aap unko uska naam nahi pata rehta hai, so we use Anonymous, theek hai. Now, this is poem number 14, My Books. Books, we use books daily. ठीक है, अपन daily book use करते, we have text book, we have notebook, we have picture book, we have story book, ऐसे बहुत अलग 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 types की book होती है. And how we take care of our books? कोई कोई है जो they take very neatly, they keep their book very neatly, clean and tidy, but कोई कोई है who are very untidy with their book. अपनी book कैसे भी कर देते हैं, side के pages fold हो जाते हैं, उनके cover फट जाते हैं, the pages are torn and all. Okay, now we will see कि जो poem जिसने लिखा है वो अपनी books के बारे में क्या बोल रहा है. I love my books, they are the homes of queens and fairies and knights and gnomes. तो first stanza में क्या बोल रहा है poet कि he love his book. ठीक है, वो अपने book को प्यार करता है, वो अपनी बुक को पसंद करता है, बिकॉज इट इज़ द होम. वो किसका घर है? इट इज़ अ होम फॉर मैनी क्वींस एंड फेरीज एंड नाइट्स एंड नोम्सी. अगर आप लोग ने देखा होगा इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक और इन योर स्टोरी बुक, ठीक है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होती है जिसमें किंग्स और क्वीन के बारे में लिखा हुआ रहता है. देन देर आर फेरी स्टोरी, फेरीज की स्टोरी होती है, सोल्जर्स, नाइट, के एन आई जी एच टी एस, वो उसका जो के है ना, दैट इज़ साइलेंट. ठीक है, के को प्रोनाउंस नहीं करते तो उसको एन आई जी एच टी नाइट्स बोलते हैं. ठीक है, नाइट्स क्यों हैं? सोल्जर्स हैं, जो सिपाही होते हैं ना, दोज आर नाइट्स. एंड देन जी एन ओ एम ई एस, गोम्स, उसको नोम्स बोलते हैं. ठीक है, कि नोम्स आर यूजुअली, देखो जैसे ये आप लोग ने देखा होगा स्नो वाइट वाली, स्नो वाइट में कैसे सी देयर वर सेवन ड्रॉप्स, वो जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल हाइट के जो स्नो वाइट के साथ में थे, तो दैट आर अ टाइप ऑफ नोम्स. ठीक है, उनको नोम्स बोलते हैं. सो वो बुक के अंदर क्या है? इट इज़ अ होम, इट इज़ अ प्लेस फॉर ऑल द फेरीज, ऑल द किंग्स, क्वींस, नाइट्स एंड नोम्स. ईच टाइम आई रीड, आई मेक अ कॉल ऑन सम क्वेंट पर्सन, लार्ज और स्मॉल, हु वेलकम्स मी विद अ हार्टली हैंड एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड. ओके, नाउ वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एवरी टाइम व्हेन चिल्ड्रेन, ओके, एवरी टाइम व्हेन द पोएट इज़ रीडिंग द बुक, तो वो ही मेक्स अ कॉल, मतलब वो सही में फ़ोन नहीं लगाते, बट ही गेट्स लिंक्ड, वो इमेजिन करने लगता है वो सारी चीज़ें विच इज़ गिवन इन द बुक. तो वो ऑन सम क्विंट पर्सन, क्विंट मीन्स अन, देखो वहाँ पे द मीनिंग गिवन डाउन, अनयूजुअल और ओल्ड फैशन एंड अट्रैक्टिव, कोई भी बहुत रेयर चीज़, अनयूजुअल यानी जो बहुत ही कम दिखाई दे, अ वेरी ओल्ड फैशन, बहुत पुराने ज़माने की, एंड बट अट्रैक्टिव. ठीक है, ओल्ड फैशन है लेकिन कैसा है? अट्रैक्टिव है, अटेंशन पाने वाला है. तो वेन एवर द पोएट इज़ रीडिंग द बुक्स, जब भी अपनी बुक रीड करता है, तो ही गेट लिंक विद द पर्सन जो उसे उस वंडरलैंड में लेकर जाता है जिसके बारे में वो, सपोज इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, आप कोई एक स्टोरी पढ़ रहे हो, तो फिर आप इमेजिन करने लगते हो ना कि हाँ यहाँ पे सब लोग स्नो वाइट थी, स्नो वाइट कहीं जा रही थी, गार्डन से पास हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती ऑटोमेटिकली जब भी अगर वेन एवर अ पर्सन इज टेलिंग अ स्टोरी. ठीक है, सिर्फ रीडिंग करने से नहीं, अगर कोई आपको स्टोरी भी बता रहा होता है तो आप लोग वो सब कुछ एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग में. ओके, तो ये जो क्वेंट पर्सन है, हाँ, ये उसे वेलकम कर रहा है विद अ हार्टली हैंड, मतलब एकदम खुले दिल से उसको उसका वेलकम कर रहा है, एंड ही इज टेकिंग हिम और हर टू द वंडरलैंड. ईच बुक इज लाइक अ सिटी स्ट्रीट अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग. तो यहाँ के बोल रहे हैं कि जो ईच बुक है, हर एक बुक कैसे, इट इज़ अ सिटी स्ट्रीट, मतलब हर एक बुक अलग 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 सिटी की स्ट्रीट के, अलग सिटी के सड़कों की तरह है, स्ट्रीट की तरह है. अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग. कोई कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको पहले से पता होती है, कोई ऐसी स्टोरी है जो मतलब आपको आइडिया रहता है कि हाँ चलो ये स्टोरी में एक ऐसा इंसान था, इवन इफ़ यू डोंट नो द होल स्टोरी बट यू नो सम ऑफ द कैरेक्टर्स, यू कैन से. ठीक है, अगर एक ही बुक
ठीक है, कोई अगर एक ऐसी बुक है जिसके बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट ख़त्म होता है तो फिर उसका दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। तो जैसे आप कार्टून्स देखते हो, ठीक है, व्हेन यू सी कार्टून्स, कार्टून्स में एक ही कैरेक्टर होता है लेकिन उन लोग का जो सीन है वो अलग 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 एपिसोड होता है, तो आप लोग को पता रहता है। सपोज़ फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन जैसा है, सो यू नो कि हाँ उसमें डोरेमोन है, उसमें नोबिता है, भले से स्टोरी उन लोगों की एपिसोड में कोई भी चले बट आपको पता रहता है कि हाँ ये डोरेमोन है, ये नोबिता है, शिजुका है एंड ऑल। सो न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग एंड टेक मी ऑफ ऑफ एडवेंचरिंग, उसमें काफ़ी न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पुराने रहते हैं बुक में, मतलब स्टोरी ऐसी है, पुराने मीन्स यू नो अबाउट देम, यू आर फेमिलियर विद देम, सो दे टेक यू टू द एडवेंचरिंग, उन लोग को एक नई एडवेंचर पे आपको लेके जाते हैं। टेक मी ऑफ ऑफ ओ डबल एफ वाला टेक मी ऑफ मीन्स टू फ्लाई विद देम, टू टेक, जैसे एरोप्लेन में टेक ऑफ करते हैं ना वैसा, दे आर टेकिंग यू टू न्यू एडवेंचर्स, टू न्यू वंडरलैंड्स। सो आई विल रीड द पोएम वंस अगेन। Poem number 14, My Books. I love my books, they are the homes of queens and fairies and knight and gnomes. Each time I read, I make a call on some quaint person, large or small, who welcomes me with a hearty hand and leads me through his wonderland. Each book is like a city street, along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and take me off adventuring. Okay? So with this we will end the video. Thank you.